गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर ईवीएस टीचर। बच्चों, आज की क्लास में हम ईवीएस का चैप्टर 5 एयर, AIR, एयर। एयर मीन्स हवा। ये करेंगे, सभी ने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ना है। एयर, एयर मीन्स क्या होता है? हवा। AIR, एयर मीन्स हवा। आप सभी जानते हो हवा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। लाइव क्लास में आज हमने प्रैक्टिकल भी किया था, सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल करके देखा था ना। जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली थी उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल में कितना अच्छा लगा था, उन्हें पता कैसे एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उन बच्चों को पता चला। और जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ली उनको नहीं पता, उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए तो कहती हूँ आपसे कि लाइव क्लास को जरूर लिया कीजिए। चलिए, अब हम रीड कर रहे हैं चैप्टर 5 एयर। एयर मीन्स हवा। लुक आउट ऑफ योर विंडो, अपने खिड़की से बाहर देखो। ये काम बताया जा रहा है, हवा कहाँ है, आपको अपनी खिड़की से बाहर देखना है। कैन यू सी द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज मूविंग, क्या आपको वहाँ पर पेड़ों के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनों पर जो पत्ते लगे हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स मीन्स पत्ते एंड ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, वो आपको मूव हिलते हुए दिख रहे हैं, मूविंग करते हुए दिख रहे हैं? डू यू नो व्हाट मेक्स देम से स्वेय, क्या आप जानते हो कि वो कैसे झूल रहे हैं? SWAY, स्वेय मीन्स होता है झूलना, ठीक है, इधर उधर घूमना। स्वे मीन्स क्या होता है? झूलना। डू यू नो व्हाट मेक्स देम स्वे, क्या आप जानते हो कि ये जो लीव्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये कैसे स्वे कर रहे हैं, वो कैसे झूल रहे हैं, कैसे फड़फड़ा रहे हैं, जो कहते हैं ना फूक, पत्ते हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द एयर, ये हवा है। क्या है ये? ये हवा है। किसकी वजह से वो हिल रहे हैं? हवा की वजह से। वो हवा जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें फील होती है। बच्चों, आप अपने कमरे में बैठे हो, ठीक है, अब आपको एयर का देखना है एक्सपेरिमेंट करके, तो आप देखिए, आप ओनली 1 मिनट के लिए अपना फ़ैन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। आप ऑफ कर दोगे तो उसके बाद देखोगे आपको कितनी गर्मी लगने लग जाएगी, है ना, पसीना आने लग जाएगा, एकदम से इतना स्वेटिंग हो जाएगा। अब आप अपने फ़ैन को जब ऑन करोगे तो उसमें से हवा आएगी और आपको थोड़ा बेटर फील होगा, हवा लगेगी, आपको अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन आप फ़ैन की तरफ देखो, क्या उसमें से आपको हवा जो आ रही है वो आपको दिखाई दे रही है? वो आपको नहीं दिख रही, ठीक है ना। क्या हो रही है वो हवा? आपको फील हो रही है, जो हवा है वो आपको फील तो हो रही है, आपका जो भी पसीना था वो पूरा सुखा दिया, आपको अच्छा लगने लगा, बेटर फील होने लगा। लेकिन आप पंखे की तरफ देखो, वो आपको हवा दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, वो फील हो रही है। इसी तरह से पेड़ पौधे हैं जो, वो उनके पत्ते मूव तो कर रहे हैं, पत्ते हिलते डुलते हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कौन हिला रहा है? उन्हें हवा हिला रही है, और वो हवा इनविजिबल है, वो हमें नहीं दिख रही, ठीक है। एयर इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित। जैसे आप अटेंडेंस देते हो, जब मैं कहती हूँ बच्चों का नाम बोलती हूँ, आप कहते हो ना प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, यानी हम हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, उपस्थित हैं। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, जो हवा है वो हर जगह मौजूद है, उपस्थित है। एंड इज़ नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, वो आवश्यक है। फॉर ऑल लिविंग थिंग, सभी, ऑल मीन्स सभी, जितनी भी है लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए एयर ज़रूरी है, ठीक है। लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बच्चे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, जित सभी, सभी को एयर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग मैं एक बार और बता देती हूँ कौन सी हैं, वो थिंग्स, वो चीज़, वो जिनको जीवित रहने के लिए पानी, हवा चाहिए, ठीक
ठीक है, वो जिंदा जीवित रह होते हैं, सॉरी जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ठीक है, और अपनी जैसे संतान को पैदा करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ये सारी चीज़ ही लिविंग थिंग्स हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, सभी को हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स बट कैन नॉट सी इट। हम एयर को फील तो करते हैं, हवा को महसूस कर लेते हैं जब वो चलती है, लेकिन वो हमें दिखाई, उसे हम देख नहीं सकते, बट कैन नॉट सी इट, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए आपको एयर की इम्पोर्टेंस पता चली, अब हम करेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हो, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। अभी आपने कोविड टाइम में देखा था ना, लास्ट मंथ में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, कितने लोग विदाउट ऑक्सीजन उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को, सभी को ऑक्सीजन इनहेल करना होता है, लेना होता है। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब क्या छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, हम अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिंदा हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स उल्टा करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वो उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन गैस, और वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो जो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, वही ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फैन मेक्स द एयर मूव, ये फैन चलाया हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये एयर दे रहा है हमें। ठीक है, कीप योर हैंड, अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, आपने हाथ को अपने, आपका जो हाथ है उसके अपने मुंह के सामने लाओ, देखो इस तरह से लाइए, नाउ ब्लो ऑन योर हैंड, अपने हाथ पर अब फूंक मारो, ब्लो करो, फूंक मारना है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हैंड को, अपने हाथ को अपने मुंह के सामने लाइए, नाउ ब्लो ऑन योर हैंड, इस तरह से लाइए और उस पर फिर फूंक मारिए, डू यू फील द एयर ऑन योर हैंड, आपको एयर अपने हाथ पे फील हुई, महसूस हुई, जब आपने ऐसे करा तो आपको अपने हाथ पे हवा महसूस हुई, सभी बच्चों को होगी, सभी बच्चों करके देखिए इसे। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलती है उसे विंड कहते हैं, इट इज़ द विंड दैट ब्लो अवे द ट्री लीव्स, इट इज़ द विंड, ये हवा ही होती है, दैट ब्लो अवे द ट्री लीव्स, जो क्या करती है, जब हवा चलती है तो वो पेड़ों के पत्तों को हिलाती है, डुलाती है, जो पत्ते गिर जाते हैं उनको पेड़ों से दूर तक ले जाती है, हवा उड़ा के पत्तों को ले जाती है ना, पेड़ के पत्ते उड़ के दूर तक चले जाते हैं। विंड हेल्प्स अस टू फ्लाई अ काइट, हवा ही आपको हेल्प करती है, जो ये जो हवा जो चलती है, हवा वही हमें क्या करती है, हेल्प करती है पतंग उड़ाने में। आप लोग पतंग उड़ाते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपको पतंग उड़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हवा ही नहीं चलेगी तो पतंग ऊपर जाएगी नहीं, उड़ेगी नहीं। ठीक है, विंड आल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग द क्लॉथ्स, हवा ही मदद करती है क्या, क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाने में, कपड़ों को सुखाने के लिए आपके मामा कपड़े धोती हैं, फिर उन्हें हवा में सुखाती है ना, फिर हवा लग के वो कपड़े सूख जाते हैं, वो किससे सूख रहे हैं, वो भी हवा की हेल्प से ही कपड़े सूख रहे हैं, एयर ही हेल्प कर रही है उनको सुखाने में। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिविंग ब्लो, ये पिक्चर दिख रही है इसी में हेल्प, ये देखो ये प्लांट्स है,
सॉरी ट्री है, और ट्री के जब ये लीव्स नीचे गिर गए तो हवा की वजह से वो दूर हो गए थोड़े ट्री से, है ना, उड़ के जा रहे हैं। ये बच्चा काइट उड़ा रहा है, ये भी हवा की वजह से उड़ रही है। ये कपड़े सूख रहे हैं, देखो हवा की वजह से कपड़े ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक ये पढ़ा दिया है। अब इसमें आपने क्या करना है, थिंक एंड ड्रॉ 5 ऑब्जेक्ट दैट मेक यूज ऑफ एयर टू डू वर्क। आपको यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं आपने, 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं जो जिनसे पता चलता है कि उसमें हवा है। अब बच्चे आप यहाँ पर पता क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप एक फुटबॉल ड्रॉ कर सकते हो, फुटबॉल के अंदर हम हवा भरते हैं। बैलून ड्रॉ कर सकते हो, एक छोटा सा बैलून होता है उसमें हवा भरते हैं, वो कितना बड़ा हो जाता है। अलग अलग शेप के बैलून होते हैं, उनमें हवा भरते हैं तो वो अलग अलग शेप के बैलून फूल के बन जाते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, आपकी ट्यूब होती है, साइकिल ट्यूब्स हैं, ठीक है ना। और आप सोचिए और क्या क्या होते हैं हवा, जिनके अंदर हम हवा भरते हैं, वो आपने यहाँ 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।